उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रिद्धपुर में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ क्षेत्र का व्यापक विकास होगा और राज्य में महानुभाव संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। राहुल ने महानुभाव संस्था ने उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महानुभाव संप्रदाय में धर्मार्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए। पिंपला हुड़केश्वर से श्रीमान कार्यक्रम का आयोजन महावाक्य प्रवचन सोहरा समिति द्वारा नीलापट भंडारी कर सभागृह में किया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महानुभाव पंत प्रवर्तक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का योगदान अमूल्य है। उनके अमूल्य भाषाई योगदान के कारण गंगोत्री मराठी साहित्य का केंद्र बन गया है। महानुभाव पंत विकार व्यसन से दूर है। महानुभाव पंथ ने आपसी संबंधों को बनाए रखने और पवित्रता बनाए रखने का काम किया है। ये संप्रदाय देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल चुका है। इस कारण से रिद्धपुर महानुभाव संप्रदाय के साथ साथ मराठी भाषा का भी घर है। पहला मराठी भाषा विश्वविद्यालय उस स्थान पर स्थापित होने जा रहा है जहां लीला चरित्र जैसे मूल ग्रंथ लिखे गए थे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि कलोगा में चक्रधर स्वामी और उनके बाद के गुरुओं के वैचारिक खजाने को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि बढ़ाया जाना चाहिए। महानुभाव पंथ के व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए कृतज्ञता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।